છે मटरम परेशान हो जाए लाइक केज पे लिख देती हूं हाँ जी नोएडा में धीमे धीमे बारिश हो रही है और हमारे पास बच्चे आ चुके हैं और रिव्यू भी आ चुका है और बहुत सारे बच्चों के चेहरों पे खुशियां हैं। मेरे ख्याल से पेपर अच्छा हुआ है। ठीक है पेपर का ओवरऑल रिव्यू क्या है? एरर काफ़ी इजी थे सारे के सारे क्लोज टेस्ट वो क्या बेस्ट थे आपको कैसा लगा पेपर? आपका फर्स्ट टाइम मेंस था? हाँ, मेरा फर्स्ट टाइम मेंस था। मुझे एग्जाम इजी लगा। मैंने देखा कि वहाँ पे एक्टिव पैसिव और जंबल के भी पिछले साल के 2-3 क्वेश्चन रिपीट भी मुझे मिले हैं। और एक एडियम में मुझे प्रॉब्लम हुई, रोज कलर ग्लासेस का एडियम था, अदरवाइज पेपर इजी था। हाँ, लेंदी था जैसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कैसे थे? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन लेंदी थे, 3 से 4 कॉम्प्रीहेंशन थे, पर सारे के सारे कॉम्प्रीहेंशन बहुत लेंदी थे, सारे एक साथ थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप सुन पा रहे होंगे मुझे कि यहाँ पर पेपर बड़ा आसान आया है और इस समय पेपर में क्या क्या आया है ये मेरे पास पूरा का पूरा चिट्ठा आ चुका है जिसको मैं आपके सामने रात 8 बजे बिल्कुल एक एक करके बताने वाला हूँ। और इसके अलावा ये भी बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपने इस चीज़ को करना था और किया और कैसे कैसे यहाँ पर पास्ट ईयर के जो पेपर थे वो आपको हेल्प कर पा रहे हैं। 2016 2017 के कई सारे एग्ज़ाम आपके पास कवर हो पाए हैं। हमेशा मेरा ये होता था कि आधे घंटे मेरा लोड है, आज नहीं हुए, आज मेरे 1 घंटे मेंस दे के आए हो क्या भाई? हाँ, ये लो डिस्क्रिप्टिव की बुक। कितने लोग हो? दो हैं, तो एक दे दो, किसी के काम आ जाएगी। सब कुछ लिखा है इसके अंदर, अभी लाइव हूँ मैं। थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं आज का? थोड़ा सा, पहली बार था? पहली बार दिया? सेकंड टाइम। कैसा लगा? कितना रिजेंबल कर रहा था पिछले साल से? पहले के अकॉर्डिंगली तो देखा जाए तो थोड़ा सा इजी था। इजी था। कितना गुड अटेम्प्ट मानते हैं, कितना आप करके आए हो? गुड अटेम्प्ट तो 180 सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या लगता था आपको इंग्लिश में? वोकैब टाइप की चीज़ें लगती थी? वैसे लास्ट ईयर में देखे तो थोड़ा पैरा जंबल जो थे इस बार थोड़ा इजी था। तो जितना मैथ्स के अंदर रोते हुए जो बच्चे इस बार आए हैं, कैलकुलेशन हाँ, तो उसका राहत मिलेगी कुछ? पूरा कवर किया। चलिए, बहुत अच्छे। और दूसरे भाई भी है, क्या नाम है भाई आपका? एक बार देना उनको वो। हाँ जी,
हाँ जी, कितने मार्क्स आए हैं अभी? तो अटेम्प्ट इंग्लिश में तो 180 190 अटेम्प्ट किए हैं। वेरी गुड। पेपर तो मतलब इजी कह सकते हैं, इजी कह सकते हैं, मैथ का थोड़ा सा कैलकुलेटिव। चलिए, तो इंग्लिश में ऐसी कौन सी चीज़ रखी जो बच्चों को ध्यान से देखनी चाहिए लास्ट में, क्या बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, थोड़ा जंबल थे ना, पहला जंबल, इसमें थोड़ा सा। अच्छा, अप्रोक्सीमेटली पेपर कितनी देर में हो गया? बस बोल जाए तो आपका बने ना। बस 30 मिनट खाली बैठे थे, मतलब आपका टाइम सॉल्ट किया जाए जो आता था। तो बच्चों सुन पा रहे हो, इनका टाइम सॉल्ट किया जाए और वो आधा घंटा मैथ को दिया जाए। चलिए, कहाँ से आना हुआ आपका? दिल्ली से। चलिए, प्रीलिम्स में कितने हैं? 160। चलिए, थैंक यू सो मच, होप फॉर योर बेस्ट फ्यूचर। चलिए, सो ये बुक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। और इसके अंदर बड़ी खास बात और बता दूँ, सो आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे, इसी तरह का और भी रिव्यू लाऊंगा। अभी बारिश हो रही है, तो आज के लिए एक बार इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।